गतकाली स्नान पूर्णिमा अवसर में 108 गरा सुवासित जल में महाप्रभु दिव्य स्नान करने पर एवं अणसर घरे जोर में पीड़ित अच्छा यही समय महाप्रभु स्थान में पट्टिदिह पूजा पाई था भक्त मैंने जेहेतु महाप्रभुं दर्शन कर ब्रह्मगिरी स्थित विष्णुरूपी प्रभु अलारनाथ को दर्शन कले यही समय अनंत कोटि जन्मर पुण्यफल मिली थाए बोली विश्वास रही आम आलोचना करवा आम सहित पंडित सूर्यनारायण रथशर्मा महोदय जोड़ी आज्ञा यही समय विष्णुरूपी प्रभु अलारनाथ को दर्शन कराए बोली किंवदंती रही विश्वास रही कौन विश्वास रही महाज्येष्ठ पूर्णिमा सहस्र कुंभाभिषेक जलरे स्नान करी अर्धरात्र पूर्णिमा अर्धरात्र शरीर रे कंप सृष्टि हला काल काल जुग जुगधरी कालिया शांत दारवी तनु धारण करी मानव विरला करुछंती जेतबळे शीत होउची शीत वस्त्र परिधान करुछंती जेतबळे गरम होउची जल क्रीड़ा करुछंती जेतबळे महाप्रभु अधिक स्नान करी जैचंती जर हे जायछि निवृत कंदर मध्य को विश्वावसु अवतंसी दैतापति सेवक माने महाप्रभुं शरीर तले कंप सृष्टि होइछि ज्वर आसी जाइछि महाप्रभुं को निवृत कंदर मध्य नहीं रखिछंती पूर्णिमा अर्धरात्र ढारू अमावास्या पर्यंत 15 दिवस व्यापी निवृत कंदर मध्य न मंत्रम ध्यान जोगम न पूजा मंत्र साधनम केवल आत्मीय भाव रे महाप्रभुंकर वंशज दैतापति सेवक माने तांकर केतबळे पादरे अपाद मस्तक पर्यंत तेलरे मर्दन करंती केतबळे औषध प्रयोग करंती एवं महाप्रभुंकर उपचार सेवा शुश्रूषा करिथांती यही समय रे जे पावन क्षेत्र को महाप्रभुं को दर्शन करने आसी थाए से चर्मचक्षुरे प्रभुंकर दर्शन करिवार सौभाग्य प्राप्त होई न थाए तथापि कौनसी भक्त को निराश्रय करवा प्रभुंकर उद्देश्य नुहे से निराश्रय माम जगदीश रक्ष मन भक्तं विनोदार्थे करमी विविध क्रिया कालिया शांत महाप्रभुं को जे दर्शन करने को आसती श्रीक्षेत्र को श्रीमंदिर को महाप्रभुंकर अनवसर गृहर सामना को पटी लगी थाए पटी उपरे ताटी उपरे पटचित्र रे निर्मित होइथिबा महानारायण अनंत वासुदेव एवं भुवनेश्वरी एवं चलंती विग्रह मदन मोहन राम कृष्ण नृसिंह दोलो गोविंद एवं भूदेवी श्रीदेवी ये समस्ते सेठी उपासित होइथांत एवं श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर श्रीमंदिर रे ए 15 दिवस व्यापी महाप्रभुंकर चतुर्धा मूर्तिंकर मंगलारती ठारू पहुड़ पर्यंत जो कोनो समस्त नीति अन्न भोग सकाल धूप मध्याह्न धूप संध्या धूप समस्त नीति कांति मध्य होई था निराडम्बर भाव रही था एवं महाप्रभु को ये अनवसर समय रे जी आसी श्रीमंदिर रे पटिदियों को दर्शन करती जगन्नाथ को दर्शन कले चर्मचक्रे जो सौभाग्य प्राप्त होई था भक्त को तदनुरूप सौभाग्य महाप्रभु भक्त मान को प्रदान करी थांती अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे से अनेक रूप रे प्रतीयमान होई थांती एपरि अलवंदराचार्य आसीथिले एवं पावन क्षेत्र तले पहुंची महाप्रभु को दर्शन कले चर्मचक्षुरे महाप्रभु को दर्शन न करि पारि निराश होई गले एवं कहले मो प्राण विसर्जन शरीर विसर्जन करदेवी समुद्र तटरे जाऊ जाऊ गोटे विराट पुष्करणी पड़ा से पुष्करणी तटरे अलबेला ठाकुर स्वयं शुक्लांबरधरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम स्वयं नारायण सेठी छिड़ा हुई अलवंदराचार्य को दर्शन दे से पुष्करणी तटरे ही अलवंदर महाप्रभु अलारनाथ मंदिर निर्माण होती एवं यही अनवसर समय रे श्री जगन्नाथ महाप्रभु को पटिदियों को दर्शन करवा एवं ब्रह्मगिरीस्थ अलारनाथ को दर्शन कले तांकर खिरी प्रसाद प्राप्त हवा द्वारा श्री महाप्रसाद प्राप्त हले जो पुण्य फल प्राप्त होता है जगन्नाथ को दर्शन कले जो सौभाग्य मिलता है मनुष्य को तदनुरूप सौभाग्य पुण्य फल एवं प्रभु भक्तमान को मिलता है तेणु ये 15 दिवस व्यापी महाप्रभु अलारनाथ को दर्शन करवा खिरी खाइवा यह हूँ प्रत्येक भक्तर भावना रहा दरकार जगन्नाथ एवं अलारनाथ भितर भिन्नता न थाए पटिदिय जगन्नाथ भितर भिन्नता न थाए से अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे अनेक रूपरे पति होई मदभक्तं विनोदार्थे करमी विविध क्रिया भक्तमानंग आनंद देवा पाई ये समस्त लीला तांकरे कार्य 15 दिन अलारनाथ पीठ संपूर्ण रूप चलचंचल जो खीरी पिठार कहीपर खीरी जो महात्म्य रही है कहानी रही अलारनाथाचार्य जुग बदल गलानी संसार बदल समाज बदल गलानी ब्राह्मण तांकर उपासना करुथांती ब्राह्मण पुत्र को बापा जाइचंदी बंधु घर को पुओ को कहले बाबा महाप्रभु को नहीं खीरी खाया को देदेबू ओम न मंत्रम ध्यान योगम न पूजा मंत्र साधनम। से मंत्र जंत्र ध्यान किसी जानी ना कहला बापा जाइंती बंधु घर को कहते तो तुमको क्षीर खुआईदेव क्षीरी खुआईवाई गोटे पिचारे क्षीर क्षीरी धरी माँ कहला जा तोर इष्ट देवता बापा कहते खुआईदेव। महाप्रभु जाकि कहले बापा जाइंती बंधु घर को मत मंत्र जंत्र जना ना तुम्हें यदि क्षीरी खाइबा कथा खाओ न खाइले ना थोईदे द्वार पकईदेला। द्वार खोली खोल देखला पिछारे किसी ना धरिकी आसला माँ को कहला माँ से पिछारे किसी ना अलारनाथ खाईगले सबू। माँ अविश्वास गला करे पिला एमती कौन कहूँ थरे ना द्वितीय थर गला माँ ताकू परीक्षा करने को गला देखिले सतरे महाप्रभु तरतर हो गरम खीरी खाई शरीर में गरम खीरी पड़की फोटका हो माने प्रतीकात्मक चिन्ह अलारनाथंकर श्रीविग्रह मध्य शरीर में रही आपण मैंने देखिपारे। तेणु महाप्रभुंर से दिन ठार अलारनाथ बड़ क्षीरी प्रिय। महाप्रभु जमी भोजन प्रिय अलारनाथ सेपरी क्षीरी प्रिय। महाप्रभु पाखे क्षीरी प्रसाद भोग लगे प्रभु को दर्शन करी से निर्माल्य तुल्य से क्षीरी प्रसाद को पाइले ही महाप्रसाद तुल्य सहित से फल प्राप्त होता है। तेणु आसतु जावा अलारनाथ को दर्शन करवा क्षीरी खाइवा खुआईवा प्रभुं कृपा लाभ करवा यहाँ ही आमर मनर भावना। निश्चित आपण प्रतिक्रिया शुणुते पंडित सूर्यनारायण रथशर्मा आम सहित जोड़ी होते और यही समय जेहेतु महाप्रभु अणसर घरे रही ज्वर में पीड़ित रही यही समय महाप्रभु को दर्शन करने संभव हो न था। महाप्रभु स्थान में अनंत नारायण बलभद्र स्थान में अनंत वासुदेव और देवी सुभद्र स्थान में भुवनेश्वरी देवी पट्टिदिय रूपे पूजा पाई था। यही समय विष्णु रूपी प्रभु अलारनाथ को दर्शन कले अनंत कोटि जन्मर पुण्यफल मिली था विश्वास रही। पाथाय करके अनेक भक्त श्रद्धालु ब्रह्मगिरी स्थित अलारनाथ पीठ को जाऊँगी अलारनाथ को दर्शन कर सानिध्य नेउछन्ति। पुरी रो वीडियो जर्नलिस्ट सनातन आलोक आशुतोष अर्गस न्यूज।